हाय, गुड इवनिंग. लंच कर लिया? हेलो ऑल, एम आई ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट. एवरीबडी इज हियर एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर क्लास. स्टूडेंट्स, तो मेरे को बस आप ये बताएंगे वेदर आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट. राइट इट इन द चैट बॉक्स. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए. एंड द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद इज दैट हैव यू हैड योर लंच और नॉट एंड रेडी फॉर द सेशन. क्लास हो गई है आपकी. एक क्लास हमने आफ्टरनून को ली थी आज. नाउ दिस इज योर सेकेंड क्लास. सो पढ़ाई करने से पहले जरूरी है दैट वी आर रिलैक्स्ड. आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट भरा हुआ होना चाहिए. इजंट इट? आई होप नोबडी इज फीलिंग लेजी. किसी को सुस्ती नहीं आ रही है. सो वेलकम टू लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस. हमारे सीबीएसई साइंस क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म पे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलम ऑफ अन अकेडमी, वी वेलकम यू टू दैट. मेरे बारे में आप जान गए होंगे. मैं हूँ यामिनी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, हुज हियर टू हेल्प यू विथ इंग्लिश कोर, विच इज क्लास 12th इंग्लिश पेपर. क्लास 12th इंग्लिश पेपर. मूविंग अहेड, वी हैव योर क्रैक सीबीएसई क्लास 12th विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. वॉट हैपन्स योर इज दैट वंस यू सब्सक्राइब विथ आर प्रोग्राम, वी आर हियर टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आपको पता है इस बार पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है. आप लोगों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है. यू आर नॉट एबल टू गो टू योर स्कूल एंड अटेंड रेगुलर क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं विच यू आर नॉट एबल टू से एक्सप्रेस टू योर टीचर. सो वी आर हियर अनदर सेट ऑफ फ्रेंड्स दैट यू विल गेट, जो आपको हेल्प करेंगे पढ़ाई करने में, सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने में विथ योर ओन कंफर्ट. यहाँ टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है. कैसे? दैट वी विल सी फर्दर. ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू, ये टाइम बाउंड नहीं है एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू टाइम कि आपने एक बार क्लास मिस कर दिया तो मिस कर दिया. वी प्रोवाइड यू सच ऑप्शन जिससे कि आप रिपीटेडली यू कैन कम बैक टू योर सिलेबस, योर कोर्स एंड गेट एक्सेस, लर्न एंड रिवाइज ऑन योर ओन. और वी आर देयर टू डू द सेम विथ यू. तो वी हैव आर डेली लाइव क्लासेस, जो आप समझ के होंगे डेली लाइव क्लासेस है. मेरी लाइव क्लासेस होती हैं रात को 10 बजे. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो. आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए एंड आई विल मीट यू देयर. एंड देन वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. लाइव टेस्ट और क्विजेस मैं आपको देती हूँ फॉर रिविजन एंड प्रिपरेशन ऑफ योर सिलेबस. एंड सिमिलरली व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू सब्सक्राइब विद अस, यू विल गेट टेस्ट एंड क्विजेस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स. सो दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं. फॉर मी आई हैव क्लासेस ट्वाइस इन अ डे, 4:30 एंड 10 PM. सो ईदर प्लेसेज यू कैन कम, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, if you have followed these videos of mine, you must have understood that courses are structured. We start from introduction of a topic and then further we go and help you explore it and understand it in detail along with revision. Then unlimited access. Unlimited access mein kya hota hai? Once you have subscribed with us, you get access to all our live and recorded courses. Jo bhi hamare live classes hain ya fir hamare recorded courses hain, aapko sari cheeze milengi dekhne ke liye, samajhne ke liye, just from the comfort of your home and then from your device. Aap ek device mein app ko install kijiye aur aap sari cheeze aapke access mein rakh sakte hain. Okay, live classes. So we have these efficient teachers, these educators who will help you through their live classes, and it is for all session. One subscription will give you access to all the subjects of science that you have. Aur aap sare mein questions kariye, padhiye, samajhiye aur doubt clearing kijiye. This is how we are going to help you. Like I told you, so on the screen you will see maths, physics, bio, chemistry, economics. So this is इनिशियली आपने देखा है ये सीबीएसई क्लास 12th साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बना हुआ कोर्स स्ट्रक्चर है. सो दिस आर द सब्जेक्ट्स दैट वी ऑफर एंड द कोर्सेज दैट वी हेल्प यू विथ.
एंड देन अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यू हैव एक्सेस टू आवर लाइव क्लासेस ऑल्सो, फ्री क्लासेस भी हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन द लर्नर्स टीम एंड डू द बेस्ट फॉर योर सेल्फ. We have our top educators, Mukesh sir, Bharat sir, Deepak sir, Priya Jain ma'am. So they are all here to help you. And how do you get access to all these top educators, courses and syllabus? Koi badi cheez nahi hai. There is nothing big to do here. You just have to subscribe for the 12 months course for board examination. Aap subscribe kijiye and the total charges would be 12,500. Only. And then what happens here is another benefit that we provide you is that my referral code is YAMINI1. So aap jab code apply karenge, what do you get? You get 10% discount on the subscription fees. So what are you waiting for? Join it quickly. Aapka subscription fee 11,250 ho jata hai. So don't wait, friends. Join kijiye aur aaye hum saath mein padhai shuru karte hain. So the first thing today is you must have understood the link says itself that today we are going to discuss prose and prose fiction. In the afternoon class I had discussed with you that what is a prose and what are different types of prose. So I'll give a quick recap of that. That prose is a type of writing that employs basic storytelling techniques that include dialogue, narrative, exposition and so on. We have a few friends here. Hello and welcome to our class. Okay. So, like I was discussing with you, prose kya hota hai? Prose is a type of writing that employs basic storytelling techniques. So prose ka the other name, like which I discussed with you in the afternoon, was that the other name for prose is storytelling. Prose mein kya hota hai? Hum kahani bolte hain, hum kahani padhte hain, kahani likhte hain. So yahan pe aapko story mein kya milta hai? What makes a story interesting? Dialogues hote hain, narratives hote hain, expositions hote hain. So these are the things which make story interesting. And here we are going to discuss fiction. So fiction is a kind of work which is not reality. Basically wo fact based nahi hota hai. Fiction mein you have imagination and fantasies. So story is conceived by the author. Author ko ek idea aata hai aur he derives inspiration from something which has happened around. Wo wahan se us idea ko leke aur further chalte hain aur ek story banate hain. While prose fiction may be based on real events and people, the actual characters and plot of the story are made up, which can open up possibilities for fantastic events that could not take place in reality. So prose, जब आप पढ़ोगे, फिक्शन का प्रोज हमें बहुत लाइट फील करता कराता है, एंटरटेन करता है. नॉन फिक्शन जो होते हैं हमारे, वो थोड़े सीरियस टाइप के भी होते हैं, बिकॉज दे आर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सारी चीजें होती हैं. सो दे आर मोर सीरियस. फिक्शन में आपको वेरिएशंस मिलेंगे. एंड फिक्शन क्या होता है, इट इज नॉट प्योर फिक्शन ऑलवेज. कभी कभी राइटर जो होते हैं वो रियल इवेंट्स से, रियल पीपल से इंस्पिरेशन लेते हैं और वहां से उनका आइडिया क्रॉप अप होता है. दे टेक आइडियाज फ्रॉम देयर एंड देन व्हाट डू दे डू, उस आइडिया को अपनी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे कीप इमेजिनरी. वो उनके इमेजिनेशन, उनके क्रिएटिविटी होती है जिसको एक्सप्लॉइट करके वो फर्दर प्लॉट बिल्टअप करते हैं, कैरेक्टर्स लाते हैं, स्टोरी का बिगनिंग, मिडिल, एंड देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं स्टोरी में. सो दिस इज हाउ दे वर्क ऑन प्रोज फिक्शन. एंड वो ऐसी चीजें डालते हैं जो कि कोई भी इंसान इमेजिन ही कर सकता है. दीज थिंग्स दे डोंट हैपन इन रियालिटी. सो दिस इज वॉट प्रोज इज. ओके, we are going to start with your supplementary reader, that is Vistas. आपके पास दो बुक है, one is Flamingo and the other one is, good evening Saurabh, good evening Abhishek, welcome to the class. How are you? How's everything going? Okay, so what happens here is, like I was discussing, हमारे दो फ्रेंड्स भी आए हैं हमारे साथ में.
Then Vistas. You have two books, Flamingo and Vistas. So today I will start with your Vistas, which is supplementary reader. Small intro of that. Vistas is a supplementary reader in English core course. Ye to aap sabko pata hai, isn't it? So what is the main objective of this book? The main objective of this book is to make extensive reading an enjoyable experience. So the book basically aims at getting things which are affecting the society, lives of people living in it. So these things, the writer or the compilation of the entire book aims to bring out these things. So chapters of your Vistas are the third level, the Tiger King, Journey to the End of the Earth, The Enemy, Should Wizard Hit Mommy on the Face of It, Ivan's Tries, and O-Level Memories of Childhood. So what happens here, what I would like to share with you is that this time you all know ki aapka jo 10th ka aur board, 10th board and 12th, the syllabus has been cut down, isn't it? So ab isme har subject mein सिलेबस को कट डाउन किया गया है. सो फ्रॉम योर विस्टास दे हैव टेकन, दे हैव रिमूव्ड द टाइगर किंग एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. यहां से ये दो बुक्स हटा दी गई हैं. इस बार ये बुक्स नहीं होंगी, इस बुक के आई मीन ये इस बार ये चैप्टर्स नहीं होंगे. इन चैप्टर्स को एक्सक्लूड करके आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा. ओके, नाउ फाइनली कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन, व्हिच इज चैप्टर वन, द थर्ड लेवल बाय जॉन फिने. तो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है मुझे ये चैट बॉक्स में लिख के बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस, कितने लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है मुझे ये बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस चैप्टर, द थर्ड लेवल. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Yes. Okay, Saurav. Okay, now moving to the third level, written by John Finney. So before I introduce the story to you, let's have a small introduction of John Finney. Writer ke baare mein thoda pata karte hain, thoda aapse discuss karenge hum. So this is an image of John Finney, jinhone ye story likhi hai, the third level. The full name of John Finney is Walter Braden Jack Finney, an American author. So he is from America. He was born on October 2, 1911 in Milwaukee, Wisconsin, USA. Finney was given the name Jack Finney after his father died when he was 3 years old. He was renamed Walter Braden Finney in honor of his father. But kya hota hai? He was continued to be known as Jack throughout his life. Unko unke father ka naam diya to gaya tha, but he kept being called as Jack only throughout. Okay, then unhone graduation kiya Knox College se, Galesburg, and then he married Margaret Guest, from whom he had two children, Kenneth and Margaret. After living in New York City and working for an advertising agency there, he moved with his family to California. And there he lived for some time. He died because of pneumonia and emphysema on November 14, 1995 at the age of 84. So this is what a small introduction of Jack Finney is here with us. So be very alert because I'll be framing questions. Main aapko question poochungi. And his best work notes are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. I suggest you read these books. Bahut interesting books hai ye. And then we have few works of Jack Finney. Jack Finney ki kuch books hain jo ki bahut hi popular hui hain over a period of time. So let's have a look at them. So there are series here, Time and Again, which was released in 1970. And then we have Trying to Time. So this was released in 1995. Then he also wrote novels, which is Five Against the House, Invasion of the Body Snatchers. Jaise maine aapko previous slide mein I had told you, The Body Snatcher was a very famous series of famous novel of him. The House of Numbers, Assault on a Queen, Good Neighbor Sam, The Woodrow Wilson Dine, Marion's Wall, The Night People.
these are few of the series and novels that Jack Binney had written. His collections are The Third Level, जो कि आपको विस्टास में इंट्रोड्यूस करी गई है, आप विस्टास में पढ़ रहे हैं. The Clock of Time, I Love Galesburg in the Springtime, Forgotten News About Time. So on your slide you'll find the look of the cover page, so it is easy for you to identify from these cover page. आपने अगर पढ़ा है तो आपको immediately recollect हो जाएगा कि yes, you have read any, maybe one or two of the books. Anthologies containing stories by Jack Finney. The first banned book of horror, like I told you, science fiction and horror was something which he loved to write, thriller and science fiction. Best fantasy stories, 50 short science fiction tales, stories of suspense, the Playboy book of science fiction and fantasy, the Playboy book of horror and the supernatural, 11 great horror stories, Lost Worlds, Unknown Horizons, The Great SF Stories 13, Great Science Fiction of the 20th Century, and Time Machines. So entire collection you'll find here that it talks about science and fiction. And then yes, thriller of course. So this is his specialization. Then here on the screen you have short stories by him. So The Coin Collector, Contents of the Dead Man's Pocket, A Dash of Spring, Home Alone, I Love Galesburg in the Springtime, Lunch or Magic, Such Interesting Neighbors, The Third Level, I Am Scared, Quit Zooming, Those Hands Through the Air, Of Missing Persons, Behind the News, Cousin Len's Wonderful Adjective Seller, Second Chance, Something in a Cloud, There is a Tide, The Love Letter, The Other Wife, Where the Clothes Are, The Face in the Photo, Hey, Look at Me, and Double Take. So we have come across the name of Third Level, which is our course prescribed story, twice or thrice when we're discussing Jack Finney. Let's have a small review of this. What is the story about? The Third Level by Jack Finney is about harsh realities of war. Us time pe war related bahut sari cheeze ho rahi thi, so you'll find we all know literature is the mirror of the society. It shows you what was happening in the particular era or particular years when these stories were written. They reflect the society. The same thing we find here also. Third Level में Jack Finney ने ये present करने की कोशिश की है कि war और उससे related जो harshness होती है लोगों की life में वो थी, and what was the consequence of the same, and what was happening, it was leaving people in a state of insecurity. लोगों के अंदर डर, परेशानी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी. And then again it was also about modern day problem and how a common man tends to escape reality. हर किसी को एक escape चाहिए था उस time पे, और वो उसके लिए रास्ते ढूंढते थे, अलग अलग तरह के रास्ते जिससे कि वो reality से escape कर पाए. In this story, a man named Charlie, so what is the main character's name? It is Charlie, hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has two levels. So in the morning class I was discussing with you, main kya aapse baat kar rahi thi morning ke class mein, main aapse ye baat kar rahi thi, hamari discussion ho rahi thi is bare mein ki plot mein elements kya kya hote hain. What are the various elements of a plot? If you remember, friends, students, आप मुझे यहाँ पे chat box में लिख के बताइए, हम जब सुबह discussion कर रहे थे तो वो क्या था, what was that discussion about? What was the discussion about? हम क्या discuss कर रहे थे उस time में? We were discussing about elements of a plot. Plot के क्या elements होते हैं, story के क्या क्या elements होते हैं. You have character,
यू हैव सेटिंग, यू हैव थीम, यू हैव मूड, तो इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं, इजंट इट? सो हियर व्हेन यू लुक एट दिस इंट्रोडक्शन, उस स्टोरी के किसी भी प्रोज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है. योर कैरेक्टर ऑल्सो हैज फ्यू ट्रेट्स जिसके बेसिस पे आप उसका कैरेक्टर स्केच बना सकते हो, लिख सकते हो आप. जैसे कैरेक्टर स्केच में हमने क्या देखा था, कैरेक्टर स्केच में हमने ये देखा था बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, तो सोशल ट्रेट्स होते हैं, उन सारे के बेसिस पे यू डिफाइन अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. आप स्मॉल इंट्रोडक्शन में देखिए व्हाट इट इज सेइंग. थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, सो वी नो द बुक एंड द ऑथर. ओके, सो द थीम इज हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर्ड एंड द सेकेंड थीम इज It is about modern day problem and how common man tends to escape reality. So we have harsh realities of the world and then escapism, isn't it? किसी चीज से escape करके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ reality से escape करने की कोशिश करें. We are trying to run away from the reality and then looking, this person is looking for various means. Everybody looks for various means when he wants to escape. आप पढ़ाई से escape करने की कोशिश करते हो? अभी नहीं करते होंगे ऑफकोर्स, बट आप जब छोटे रहे होंगे तो आई बिलीव आप जरूर करते होंगे. तो क्या होता है, समटाइम्स यू वुड से यू फीलिंग स्लीपी, समटाइम्स यू से यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग गेम्स यू आर एब्सोल्युटली फाइन, एंड व्हेन इट कम्स टू स्टडी आप थक जाते हैं, आपको नींद आने लग जाती है, इजंट इट? ओके, so in this story a man named Charlie, so this is our main character, and what is the other name that you use for main character? Character ka dusra naam kya hota hai? Okay, so the other name for the character is protagonist, isn't it? So the main character here is Charlie, aur Charlie ka psychological trait kya hai, he hallucinates. और हेलुसिनेट करके वो क्या करता है, ही रीचेस द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज टू लेवल्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हेलुसिनेट्स. वो हेलुसिनेट करता है और उसके हेलुसिनेशन में क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहां पे तो ये है लेवल्स है, ठीक है, बट ये हेलुसिनेट करके थर्ड लेवल बना के उसमें चले जाता है. दिस इज द प्रॉब्लम दिस मैन हैज. ओके, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क. इफ यू रिमेम्बर जैक फिनीज बैकग्राउंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग, मैंने बोला था आपको कि उन्होंने अपने लाइफ का इनिशियल वाला फेज जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया है, उन्होंने न्यूयॉर्क में स्पेंड किया है. सो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज इन न्यूयॉर्क एंड इट वॉज ऑफिशियली ओपन ऑन फेब्रुवरी 2nd, 1913. सो यहाँ पे दो तरह से ट्रेनें चलती थी. इट यूज टू केटर फॉर व्हाट यू कॉल इट, इट यूज टू केटर फॉर एक्सप्रेस ट्रेन्स आल्सो एंड देन देयर वर सबर्ब्स आल्सो हियर. द थर्ड लेवल थीम, आई टोल्ड यू कि हर स्टोरी का एक थीम होता है, मॉरल मैसेज होता है. सो हियर द थीम इज The story, the third level is the most concise and entertaining story about time travel. Charlie wishes to be transported to the third level, the world of 1894, which is supposedly a much happier and quieter place to be. I told you it was, this story talks about the harsh realities of war. The war ke time pe you cannot have happiness, isn't it? Hai na? हैप्पीनेस तो लाइट से एटमॉस्फेयर में होता है, इजंट इट? जब यहाँ पे लॉकडाउन फेज चल रहा था, द एंटायर वर्ल्ड वाज ट्राइंग टू कोप अप विद द पैंडेमिक इफेक्ट, सो लॉकडाउन में यू मस्ट हैव फेल्ट दैट स्टिफनेस, इजंट इट? दिक्कत होती है वहां पे, यू फील सो ट्रैप्ड, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, इतना सारा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं. सो दीज आर थिंग्स विच डिस्टर्ब. So the same thing, maybe Charlie इससे भी ज्यादा बुरा फील कर रहा था. He was going through even a bad phase of life. He wanted to escape from there. So what he wishes is, he wishes to be transported to the third level.
the world of 1894, which is supposedly a much happier and quieter place. So why did he want to escape and where did he want to go? He wanted to go to a much more happier and quieter place, जहाँ शोर नहीं हो, जहाँ लोग खुश हो, आसपास का जो atmosphere है, that also gives you happiness and relaxation. So he was looking for such an escape. So this line shows that the character is looking for an escape. Okay, we have a message from a student. Okay, then somebody is facing an issue here. Okay, Saurabh, thank you so much. Okay, Iti, hi Iti. Hi Rita, good evening. How are you? So here I would repeat that we are discussing the theme of this story, the third level, which is about harsh realities of war, and it is about Charlie, our main character, who is trying to escape, जो कि escape करने की कोशिश कर रहा है warlike जो atmosphere वहाँ पे बना हुआ था उससे. Okay, the question of whether the third level exists in reality or only in Charlie's mind can be inferred from Sam's letter. तो ये सैम जो है इनका फ्रेंड है जो इनके लेटर को पढ़ के यू कैन मेक आउट कि थर्ड लेवल है भी कि नहीं है. सो ही हैड अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड आल्सो. द स्टोरी आल्सो ड्वेल्स ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म व्हिच आई टोल्ड यू कि इसमें एस्केपिज्म की भी बात है. नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज फ्रॉम द ग्रिम रियालिटीज ऑफ प्रेजेंट डे बट ऑल्सो एज अ डिजायर टू स्टे विद द पास्ट और टू कीप द पास्ट अलाइव इन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेजेंट. यहाँ पे द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर विल टेल यू दैट हाउ द राइटर हाउ द मेन कैरेक्टर ही थिंक्स अबाउट और ही रिकलेक्ट्स मेमरीज ऑफ हिज ग्रैंड फादर हु यूज टू एंजॉय हिज डेज विच वेन द कैरेक्टर दैट इज चार्ली इज कंपेयरिंग विथ हिमसेल्फ ही इज नॉट एबल टू डू द सेम. वो अपने दादाजी को याद करता है कि वो ही यूज टू हैव गुड टाइम, स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, उनके पास कितना हैप्पीनेस था, ठीक है, पर अभी इसके पास नहीं है, इज नॉट हैप्पी. ओके, देन वी हैव अ क्विक रिविजन ऑफ वोकैबुलरी फॉर द चैप्टर बिकॉज बिना वोकैबुलरी के यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. देर आर फ्रेजेस इन द चैप्टर, देन देर आर few words जिनका meaning आपको जानना जरूरी है. So I would request that if you have your book with you or if you have a pen and paper, then quickly note down these things. अगर आप mobile से हैं तो फिर तो you can obviously take screenshot. But students do write the meaning जिससे कि आपको chapter को पढ़ने में और समझने में easy होगी. And then for your comfort, I have made some sentences also. So the first one is arched. Arched is an adjective and it means curved. So if you see the image here, आपको arched का complete sense आ जाएगा. This is an arch. Okay, जो curved चीज होती है उसको हम arched बोलते हैं. So there are many arched doorways or passages in the old churches of Europe. Okay, then you have psychiatrist. Psychiatrist is a noun and it refers to a person who is a professional in treating illness of the mind. Psychiatrist जो होता है एक professional होता है जो कि you can term him as a medical doctor also who specializes in illness of mind. Counseling भी करते हैं and further level पे ले जाके लोगों के mental illness में उनकी recovery में भी help करते हैं. Okay, Rita, you can, I have two classes, like in the beginning of the session, I was telling everybody that I have a class at 4:30, ये मेरा YouTube का class है, then my special classes are at 10 p.m. night, so you can
डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप और आप वहां पे मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो चीजें. एंड आई हैव अ क्लास टुडे ऑल्सो, सो इसका कंटिन्यूएशन मैं कुछ वहां पे भी करूंगी आज. सो डू ज्वाइन मी देयर, आई मीट यू देयर ऑल्सो 10 PM शार्प टुनाइट. People will visit a psychiatrist to get help with their emotional problems. So, a psychiatrist, like I told you, he or she deals with all kind of mental illness. Then next, spittoons. Spittoons, the image that you can see here, it's a kind of a bowl. It's a noun again. It's a jar-like container into which people would spit. आप जिसमें पिछले टाइम पे लाइक पुराने जमाने में लोग स्पिट करते थे. So that is a spittoon. There were spittoons in Grand Central, but they do not exist today. Like we have dustbin today, हम तो dustbin में spit कर देते हैं. When you find people walking here and there at the railway platform, you'll find that we spit in dustbins as well. So there were spittoons kept in earlier days, जहाँ पे आप spit करते थे. Okay, derby hat. Derby hat is again a noun. It's an old-fashioned hat used by men in the past. So, derby hats were considered very fashionable in the beginning of the 20th century. So, these are few sentences for you. Leg of mutton sleeves. Again, noun. So, if you can see this image. Okay, sleeves that puff toward the shoulder. So ये यहां से narrow है और यहां पे जाके ये broad हो जाता है. So these are called leg of mutton sleeves. A leg of mutton sleeve needs a lot fabric to make. See, it's a puff sleeve, so obviously it will take lot of fabric. Yes, Abhishek, I have classes every day 10 AM. Okay, I am dealing with English core of 12th standard, so you can meet me there also. We can have a regular teaching session. Then next, premium. It's a noun, an additional charge or cost. Some, it's premium basically. Some customers are reluctant to pay a premium for organic food, so it's an additional charge. Then you have currency. Currency or money. Today's currency is different from what was used in the past. Currency is, आपने बचपन से पढ़ा होगा, country and currency GK में बहुत common term होता है. तो currency हम money की बात करते हैं, which is different in different countries. Okay, so it's a quick, if you want to take a screenshot here, or you want to mark it in your book, I give you 1 minute का time, please mark it down. So you have uptown, to the parts of a city that are away from the सेंटर. सो शहर से जो चीजें दूर होती हैं, जो जगह दूर होती है, वी कॉल इट अपटाउन. टैन, अ येलोइश ब्राउन कलर, लाइक वी से स्किन टैन हो गया है. सो टैन इज दैट काइंड ऑफ अ शेड, जो आपका सनबर्न से स्किन जो खराब होती है, दैट इज कॉल्ड टैनिंग. ओके, इट्स अ ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन कलर, एंड मोस्ट कॉमनली हम स्किन से रिलेट करते हैं. देन यू हैव सबर्बन, कनेक्टेड विद एन एरिया दैट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी. सबर्ब वो होता है जो शहर से बाहर का एरिया होता है. कॉरिडोर्स, लॉन्ग नैरो पैसेजेस विथ डोर, जो आपके घर में भी होता है, जिसको हम गलियारा बोलते हैं इन हिंदी. स्पिटून्स, सो यू नो स्पिटून्स कंटेनर्स होते हैं यूज फॉर स्पिटिंग. Waist, you know, waist. Okay, then sideburns, hair that grow down the side of a man's face in front of his ears to ears के पास में जो साइड में आते हैं बाल, they are called sideburns. Leg of mutton sleeve, tight fitting sleeves. Seeing Nelly Home, a favorite song of 1890s. Hay, dried grass. Feed, food for animals. So these are few common words that you will find or you will come across in your chapter, the third level. Anytime you feel like going back to the slide, तो उससे ज्यादा अच्छा ये होगा that you note it down or you mark it in your book. And I would request, हमारे session में जब आप बैठे तो please अपनी book और अपने pencil के साथ बैठे. Okay, so from today I told you I'll be discussing vista. So here are few paragraphs. We start with page 1 of your chapter, the third level, the text part.
Have you ever heard any curious experience which others find hard to believe? So it's a very catchy and it's a very catchy line. This is what your story will be based on. Have you ever heard any curious experience which others find hard to believe? Everybody has. At some point of time, हमें ऐसा experience होता ही होता है, ठीक है? So you can share it. I'm waiting. चैट रूम में यू कैन शेयर अगर आपको ऐसा कुछ क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ हो और सेम थिंग यू ट्राई टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड बिकॉज हम जनरली अपने फ्रेंड से बात करते हैं वी डोंट टॉक टू ईदर यू हैव अ सिबलिंग हुम यू आर वेरी क्लोज टू यू स्पीक टू योर सिबलिंग एंड दैट्स व्हाट आई डू अपने भाई बहन से बात करते हैं और यू हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिनसे कि आप बात करते हैं सो इट हैपन्स विद एवरीबडी ओके देन The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Okay, so now it's a very, see, this line is very catchy. It's a very catchy start. What does it say? Ki presidents of New York Central, New York New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables. Okay, so ye ऐसे कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वी हैव अ इंटरेस्टिंग वर्ड ओवर हियर व्हिच रीड्स लाइक दिस एंड इट सेज स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ दिस मुझे इसका मीनिंग कौन बताएगा यस फ्रेंड्स मुझे इसका मीनिंग बताइए स्टूडेंट्स टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस Swear on a stack of timetables. If you want, you can refer to your dictionary or whatever you have with you. ठीक है तो आप इसका मीनिंग ढूंढे स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स और मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या होता है स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल का मतलब होता है द प्रोमिस दैट यू मेक बिफोर स्पीकिंग द ट्रूथ ओके तो स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल का मतलब ये होता है सो हियर इट मीन्स कि ये सारे जो प्रेसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं दे विल ऑल्सो मेक अ प्रोमिस एंड दे विल से दैट अपना जो ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे सिर्फ टू लेवल्स हैं देयर इज नेवर एवर देयर हैज नेवर एवर बीन थ्री लेवल्स देयर आर ओनली टू बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट चार्ली The main character here, see, the introduction is not given of the main character, but the character here is speaking. So this story, yes, another element of prose. Kya tha hamara prose ka element? Which was point of view. Story narrator ke point of view se hai ya hamare character ke point of view se hai. So here the story is from the point of view of the character. Ye story jo hai, hame hamara character suna raha hai, jiske baare mein hum baad mein samjhenge. We'll come to know about the character later. Okay, so what does he say? He says that I know that there are three levels at Grand Central Station because he has been to it. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. So what is he saying? उसको पता है कि when he will anybody who speaks about something which is impossible kind तो क्या होता है how do you treat that person you say that that person has lost his mental balance isn't it तो ये यहाँ पे इस narrator को भी पता है तो उसके इसके पहले कि we form an opinion he is telling us yes I have taken obvious step मैंने बहुत ही obvious वाला step लिया है और वो obvious step क्या था वो obvious step ये था that I Talked to a psychiatrist friend of mine among others. बाकी लोगों से जो मैंने बात करी वो तो करी पर मैंने साथ ही साथ अपने psychiatrist friend से भी इस बारे में बात करी थी क्यों बात करी थी Because everybody knows and claims that there are only two levels at the central station, but narrator ने third level भी experience किया है So I told him about a third level at Grand Central Station, and he said it was waking dream wish fulfillment. Okay. So, what did he categorize? Psychiatrist friend ने क्या बोला कि वो उसका एक ड्रीम फुलफिलमेंट था
जागते उसने कोई सपना देखा और वो उसका सपना ही था, ठीक है। एंड देन व्हाट वाज द कंक्लूजन दैट वाज डिराइव्ड, कंक्लूजन ये आया दैट आवर नरेटर वाज अनहैप्पी, ठीक है। व्हेन द नरेटर टोल्ड हिज साइकाइट्रिक फ्रेंड कि उसको 3 levels का पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, सो द साइकाइट्रिक इज सेइंग कि दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट दैट यू आर अनहैप्पी इन लाइफ, क्योंकि तुम इस जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो। एंड इसका फर्दर इफेक्ट क्या था, आफ्टर इफेक्ट वॉज दैट 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 मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और वाइफ क्यों मैड हो गई, वाइफ वेंट मैड बिकॉज शी थॉट, उसको ये लगा कि अनहैप्पी हियर इट मीन्स दैट शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। शी गॉट ऑफेंडेड, एंग्री से ज्यादा आई थिंक शी गॉट ऑफेंडेड बिकॉज शी फेल दैट द साइकाइट्रिस्ट वॉज सजेस्टिंग दैट शी वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, शी वॉज नॉट एबल टू कीप हिम हैप्पी एंड दिस ऑफेंडेड हर। देन टू फर्दर दिस द साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन दैट ही मेंट The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. So he immediately clarified the situation, saying that it did not mean ki wife was not taking care of the husband. It meant that he was unhappy because of whatever was going around in the world. Insecurity was there, fear was there, they were living in a war situation, and then there was worries around. So all these things together, they were making him so unhappy that he started thinking of some other world. Okay, every day I know wants to escape. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. So this was a feeling which was in everybody's mind and heart at that time. Everybody wanted to escape, but they never went to any third level at Grand Central Station. Why? Because everybody has their own way of escaping. Har kisi ka apna tarika hota hai escape karne ka. It is not necessary ki agar is character ko escape karne ke liye third level dikh gaya to dusron ko bhi dikh jayega. They might be having or experiencing something else. Okay. But that's the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. And then they have had a discussion in the group, और यहाँ उसके friends भी थे, तो they said कि the psychiatrist was right, and बात ये भी सही थी कि हर किसी को यहाँ से अलग जगह जाने का मन करता है। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. So another thing which the narrator used to do was stamp collecting. And that also again is taken as a temporary refuge from reality, temporary escape from reality. So the character here is into habit of escaping from real world. Usko real world acha nahi lag raha hai. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. I told you while discussing the theme, maine aapko bataya tha that he goes into past also and he thinks ki past mein cheeze achhi thi, wahan pe zyada happiness thi aur zyada shanti thi. Things were more subtle. Things were pretty nice and peaceful. Okay, so here I think itna maine aapko samjha diya hai. Then I'm waiting for you. If you have any question, please ask, because I'll have a question session with you. Okay, yes. Anybody has any question? Otherwise, we have a small question answer session which will help us revise this chapter. Ye aapka chapter ka hum revision kar lenge. Okay, so my first question would be, what does the third level refer to? Hamara jo third level hai aur jo story ka naam hai, third level, what does it refer to? Okay. And then what did the psychiatric friend of Charlie say? Charlie ke psychiatric friend ne kya bola tha? Anybody here? It's okay, it's okay, it's fine to give incorrect answer also, doesn't matter. We are having a discussion here, to isme koi baat nahi, you can drop the answer. I'll correct it if at all, or maybe if you can do it, then I'll be happy.
क्या आपने समझ लिया? वॉट इज द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देन वॉट डज द फ्रेजेस स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मीन? ओके, सो आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? It is about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. This is what is about. हमारा जो first question है, ये first question आपका पूरा story को sum up कर देता है, story के जो theme है उसके बारे में बताता है हमें. Okay? Modern day problem and how common man tends to escape reality by various means. Okay? Then we have What did the psychiatric friend in answer? What did the psychiatric friend of Charlie say? He said that Charlie was unhappy. Okay. He said that Charlie was unhappy. Then what is the modern world full of? Modern world mein kya cheeze hain? वो क्या चीजें हैं मॉडर्न वर्ल्ड की जिसके वजह से इट वाज नॉट ओनली द नरेटर जबकि वेर इन अदर पीपल वर आल्सो लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एस्केप देयर वर फोर थिंग्स ओके सो अगेन बैक टू द आंसर इनसिक्योरिटी फियर वॉर एंड वरी दीज वर द फोर थिंग्स विच वर कॉजिंग पीपल टू बी अनहैप्पी टू स्टे अनहैप्पी एंड टू लुक फॉर एस्केप ओके एंड द लास्ट वन इज What does the phrase swear on a stack of timetables mean? Iska matlab kya hota hai? So the meaning is promise solemnly that what one is about to say is true. Okay, so you have to tell me ki ye wale question jo fourth wala hai, ye kaha aapne padha hai abhi? Where have you read this? Swear on a stack of timetable, where have you read it? Yes, where have you read it? This is in the third line of your first paragraph. Swear on a stack of timetables. So, I would suggest that when you are going through your chapter or rather chapters, be it Flamingo or be it Vistas, be very careful when it comes to phrases. Jo aapko nahi samajh mein aaya hai, immediately refer to the dictionary. And look for the correct meaning of the word. Okay, and then don't forget to like, share, and subscribe this channel so that we get to meet more often. We get to get more friends also. And do subscribe to our Unacademy platform. And then a quick recap of it. Third level theme. The story, the third level is about. Yes, the story is about how people want to go to a much happier and quieter place and then it deals with the theme of escapism as well. Okay, then the setting. When we talk about setting, the setting is of New York and Grand Central Station primarily. Okay, and the third level which never existed but our main character thought that he had got a chance to visit to the third level. So these are few important points of the chapter. I would be looking forward to meet you at 10 p.m. tonight in our special class. So